रेजांगला युद्ध शौर्य दिवस पर झारखंड यादव महासभा में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अहिर रेजिमेंट को लेकर आवाज बुलंद किया गया। रांची से लेकर राज्य के कई इलाकों में मार्च निकाला गया और साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। यादव महासभा का हल्ला बोल, रेजांगला युद्ध शौर्य दिवस पर पैदल मार्च, अहिर रेजिमेंट को लेकर किया आवाज बुलंद। रेजांगला युद्ध शौर्य दिवस पर झारखंड प्रदेश यादव महासभा ने राजधानी समेत राज्य भर में शौर्य दिवस यात्रा निकाला। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च किया गया और अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान वीर शहीदों के बलिदान की गाथा को याद कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद यादव महासभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर केंद्र के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अहिर रेजिमेंट की मांग में मजबूती प्रदान हो सके, झारखंड में एक बुलंद आवाज उठे, उसके लिए झारखंड का 24 जिला में, सिर्फ रांची की बात नहीं है, झारखंड का 24 जिला में आज अहिर रेजिमेंट का शौर्य दिवस निकाला गया है और भारत सरकार से विनम्र विनती किया जा रहा है, उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि सभी जातियों के नाम से जब रेजिमेंट है तो आपके पास बमानु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली जो जाति है उस जाति के नाम से रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है। जो शहीद हुए थे 1962 में भारत चीन के युद्ध में, हम उस अहिर परिवार के प्रति संवेदनाएं अर्पित करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री से भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर शहीद अल्बर्ट एक्का के चौक पर हम लोग आज कसम खा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि जब तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा हम भारत के प्रधानमंत्री को चैन से बैठने नहीं देंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी लड़ाई रहेगी। न सिर्फ राजधानी बल्कि गुमला में भी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव महासभा ने बाइक रैली निकाली। वही जमशेदपुर के पोटका में भी मार्च निकाला गया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की गई। मैं नमन करते हुए उन अहिर वीर सपूतों को ये नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस देश क्या पूरे दुनिया में इतिहास में ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिस तरह से युद्ध लड़ा गया। 120 शहीदों ने करीब 1000 चयनित सैनिकों को मारा। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान हमारे कई जवानों ने शहादत दी थी। रेजांगला में चीन से लड़ाई में 114 यादव जवान ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन्हीं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल झारखंड प्रदेश यादव महासभा रेजांगला युद्ध शौर्य दिवस मनाता है, लेकिन इस बार अहिर रेजिमेंट की मांग को धार देने के लिए 500 जिलों के 5000 गाँव में संदेश भेजा जा रहा है। इस राष्ट्रीय अभियान में रेजांगला से लाई गई मिट्टी को देश के कोने कोने में भेजा गया है। न्यूज 11 भारत के लिए पॉडकास्ट से विनोद केशरी और गुमला से किशोर के साथ रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।